नमस्कार, आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर मुकेश जी ने, महान गायक मुकेश जी ने अपने करीबी दोस्त और महान सिंगर रफ़ी साहब से क्यों कहा था कि आप तो यूरोप के टूर पर चले जाइए, खर्चा मैं उठाऊँगा। दोस्तों, पहले आपको लिए चलते हैं 1965 में एक फिल्म आई थी गाइड। सचिंदा का संगीत था, रफ़ी साहब ने बड़े ज़बरदस्त गीत गाए, दिन ढल जाए और क्या से क्या हो गया बेवफा। गाइड के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, गाइड में पहले हसरत जयपुरी साहब गीत लिखने वाले थे। एस जी बर्मन साहब बीमार हो गए थे और फिर देवानंद साहब ने उनका इंतज़ार किया क्योंकि वो उन्हीं का संगीत देते थे। और तकरीबन गाइड का पहला गीत रिकॉर्ड भी हो गया था, दिन ढल जाए। पहले इसके शब्द कुछ और थे, हसरत साहब ने लिखा था, लेकिन जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो विजय आनंद को और भी देव साहब को और कई लोगों को पसंद नहीं आया। खुद एस डी बर्मन साहब को ये गीत की कुछ और बेहतर हो सकता है। हसरत साहब से कहा कि आप कुछ और लिखिए, तो हसरत साहब ने कहा कि अब इससे बेहतर मैं क्या लिखूं, जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन विजय आनंद वगैरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाए इससे, उनको ऐसा लगा कि कुछ और करना चाहिए। लिहाजा उन दिनों में चलन था, अगर कोई गीतकार गीत लिखता था तो उसको पूरा मुआवजा दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। लिहाजा ये तय किया कि हसरत साहब को 25,000 रुपये दे दिए जाएं और किसी और से गीत लिखवाया जाए। तो तय हुआ शैलेंद्र जी का नाम। शैलेंद्र जी पहले गीत लिख चुके थे काला बाजार में एस डी बर्मन साहब के साथ। साहिर साहब के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन विजय आनंद का मानना था कि साहिर साहब की जो शायरी होती है, गीत होते हैं, उनमें उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है कैरेक्टर के मुकाबले। लिहाजा शैलेंद्र जी को फाइनल किया गया। शैलेंद्र जी आए और फिर उन्होंने गाइड के गीत लिखे, और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि क्या खूब लिखे। दिन ढल जाए रात ना आए, रफ़ी साहब ने फिर डबल से इसको रिकॉर्ड किया। और दोस्तों, ये गीत मुझे लगता है कि देव साहब का ही नहीं बल्कि रफ़ी साहब, एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी का बेहतरीन नगमा है। हम ये कह सकते हैं कि अलग ही कंपोजिशन ये है, और सबने बड़ा अच्छा इसमें साथ दिया, और रफ़ी साहब ने तो क्या ही खूब गाया है। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, जिन के सब जग छोड़ा से वो सावन अब क्यों ना आए। सिहरिम झिम ऐसे फुहारे तो ना आए, तेरी याद सताए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किस गीत की कहानी मैंने आपको क्यों बताई, मुख्तसर शॉर्ट में बताई मैंने आपको। ये पूरा किस्सा विजय आनंद साहब की किताब में मौजूद है। असल में ये गीत जब मुकेश जी ने सुना, अपने दोस्त और अपने भाई रफ़ी साहब का गीत मुकेश जी ने सुना, तो बहुत खुश हुए और रफ़ी साहब के घर पहुंच गए फूलों का गुलदस्ता लेकर, और ये कहा कि रफ़ी भाई, ये गीत आपने क्या खूब गाया है, मैं तो बस क्या कहूँ, वैसे तो आप इतना अच्छा गाते हैं लेकिन इस गीत की कुछ बात ही अलग है। और दोनों दोस्त मिले और खूब बातचीतें हुई और खुशी जाहिर की मुकेश जी ने। लेकिन मुकेश जी ने एक बात कही कि अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यूरोप के टूर पर जाइए और आप शोज़ कीजिए, वहाँ पे खर्चा पूरा मैं उठाऊँगा। तो रफ़ी साहब शरीफ आदमी थे, कहने एकदम से वो समझे नहीं, कहने जी मुकेश भाई आप क्या कह रहे हैं। तो मुकेश जी ने हंसते हुए कहा कि अरे जनाब, आप ज़रा टूर वगैरह पर जाइए तो कुछ हमें भी कुछ गाने मिल जाएँ, हम भी कुछ गाने, आप हर गीत तो आप ही गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं कि फिर संगीतकार और हीरो की डिमांड होती है कि रफ़ी साहब का। इस पर दोनों खूब हंसे। ये दोस्तों एक दोस्ती की बात है, मुकेश जी ने मजाक किया, और कई बार वो ऐसा मजाक करते थे कि रफ़ी मियाँ कभी बीमार हो जाए करो तो हमें भी कुछ गाने को मिल जाए। इसमें कोई नेगेटिव बात ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है। मुकेश जी और रफ़ी साहब की ऐसी दोस्ती थी कि हंसी मजाक वाली। अगर किसी इंसान को कोई बुराई रखनी होती है तो वो दिल में रखता है, जुबान से नहीं कहता। तो ऐसा इनका रिश्ता रहा। और जब मुकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे, रफ़ी साहब हॉस्पिटलाइज थे, तब वो हॉस्पिटल से चले गए बिना छुट्टी लिए डॉक्टर से कि मेरा दोस्त दुनिया से चला गया और मैं हॉस्पिटल में रहूँगा। बीमारी के बावजूद उन्होंने अंतिम दर्शन किए मुकेश जी को, और वापस हॉस्पिटल आए तो उनके चेहरे पर वो सुकून था। ऐसी इनकी दोस्ती रही। तो ये किस्सा हमने आपसे साझा किया जिसमें गाइड फिल्म का जिक्र किया, उस गीत का दिन ढल जाए, जो एक माइलस्टोन सॉन्ग है, मुकेश जी को बहुत पसंद था, और फिर ये सारी बातें हुई।
तो इसमें कई लोगों को हमने याद किया, महान लोगों को याद किया। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो हमसे आप साझा कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम ज़रूर बनाएंगे और यहीं फिल्मी फराज पर लेकर आएंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।